हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम साबूदाने की खिचड़ी बनाना देखेंगे। कई बार लोगों को प्रॉब्लम आती है, साबूदाना ढंग से भीगता नहीं है, या तो बहुत चिपचिपा रह जाता है या फिर कड़क रह जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बताऊंगी, जिससे आपकी एकदम परफेक्ट साबूदाना भीगेंगी और एकदम परफेक्ट खिले खिले खिचड़ी बनेंगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले एक कटोरी साबूदाना लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से एक दो बार धो लिया है और इसमें से जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकाल दिया। अब इसके अंदर पूरा बाउल भरकर मैंने पानी डाल दिया है और इसे ढककर आधे घंटे के लिए एग्जैक्ट भीगने के लिए रख दिया है। कई लोग करते हैं कि थोड़ा सा साबूदाने के ऊपर पानी आए, बस उतना पानी डालकर इसे भीगने के लिए रख देते हैं, पर उससे हर बार साबूदाना परफेक्ट नहीं होता। कभी चिपचिपा हो जाता है और कभी बहुत टाइम लग जाता है साबूदाने को भीगने को। पर इस तरीके से आपके साबूदाने एकदम परफेक्ट भीगेंगे। 2 घंटे में आपके साबूदाने एकदम रेडी हो जाएंगे। आप ट्राई करके ज़रूर देखना। यहाँ आधे घंटे के बाद मैंने इसके अंदर का पूरा पानी निकाल दिया है, बिल्कुल पानी नहीं रखा, पूरा पानी निकाल दिया है और उसे ढक कर 1.5 घंटे के लिए एग्जैक्ट मैंने छोड़ दिया। 1.5 घंटे के बाद ये हमारे साबूदाने एकदम परफेक्ट भीग गए हैं। मैं आपको हाथ से प्रेस करके भी मैंने बताया, एकदम मैशी हो गए। अब इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दिया। फिर यहाँ मैंने आधी कटोरी जितना सेकी हुई मूंगफली का पाउडर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। पर यहाँ मुझे मूंगफली का पाउडर थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/4 कटोरी जितना और मूंगफली का पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 कटोरी साबूदाने में एग्जैक्टली 3/4 कटोरी जितना सेकी हुई मूंगफली का पाउडर लगेगा। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है, इसके छोटे छोटे मैंने पीसेस कर लिए। साबूदाने की खिचड़ी में आलू का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालना। फिर इसमें मैंने 3 हरी मिर्च डाली है, जिसे मैंने 1 इंच के टुकड़ों में कट करा है। और फिर यहाँ मैंने कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं। ये हमारी सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स रेडी है। अब हम खिचड़ी बना लेते हैं, जिसके लिए कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच जितना घी गर्म कर उसमें 2 छोटे चम्मच जीरा डाला है। जीरे की क्वांटिटी साबूदाने की खिचड़ी में थोड़ी अच्छी डाले, बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आएगा। फिर उसमें मैंने हरी मिर्च डालकर उसे फ्राई कर लिया और फिर उसके अंदर मैंने कटे हुए आलू डालकर उसे भी मैंने आधे मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया, ताकि घी में आलू और मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया और उसे मिक्स कर कुछ सेकेंड के लिए इसे फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम जो साबूदाना रेडी करके रखे थे उसे मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। साबूदाने को अच्छे से मिक्स कर मैंने इसे ढककर कुक होने के लिए रखा है स्लो फ्लेम पे। यहाँ साबूदाने को हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक कुक करना है, पर बीच बीच में आप ढक्कन हटा के 1-2 बार इसे मिक्स करें, ताकि वो नीचे से चिपके ना, कड़क ना हो जाए, और फिर से ढककर इसे कुक होने के लिए रख दें। एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद ये देखिए साबूदाना अच्छे से कुक हो गया है, सफ़ेद सफ़ेद नहीं लग रहा है, अच्छे से परफेक्ट है। अब ये टाइम पे मैंने इसके अंदर 1 छोटा चम्मच शक्कर डाला है। अगर आप शक्कर नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते हो, पर ये हल्की सी शक्कर साबूदाने के फ्लेवर को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगी। तो इसे मिक्स कर मैंने ढककर 5 मिनट और स्लो फ्लेम पर कुक होने दिया। ये हमारी साबूदाना एकदम बनके रेडी है। अब इसके अंदर मैंने बहुत सारा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया और उसे मिक्स कर लिया। धनिया एकदम मस्त फ्लेवर दे देगा खिचड़ी में। इसे मिक्स कर गैस को बंद कर मैंने 5 मिनट इसे स्टीम होने के लिए रख दिया। ऐसे करने से इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसे मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। है ना एकदम सिंपल रेसिपी, और एकदम परफेक्ट साबूदाने भीग के रेडी हुए हैं, बनके रेडी हुए हैं, एकदम खिले खिले। इसे आप नींबू के साथ खाए या ठंडे ठंडे दही के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब तो कैरी का भी सीज़न आ गया है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप बना के ज़रूर देखना, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बाई की रसोई को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, ताकि आपको आने वाले रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।